बिस्मिल्लाम्स वेलकम टू कोडिंग विद क्लिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के इस कोर्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को के एक ट्री पे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे परफॉर्म करते हैं तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलती रहे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल टेक्निक फॉलो करती है लेफ्ट राइट रूट पॉलिसी को लेफ्ट राइट रूट पॉलिसी का मतलब है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम सबसे पहले रूट नोट के लेफ्ट सब्टी को ट्रावर्स करते हैं देन रूट के राइट right को ट्रवर्स करते हैं देन फाइनली रूट को करते हैं तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक की इस पॉलिसी को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पोस्ट ऑर्डर में हम क्योंकि रूट नोट को लेफ्ट सब्ट्री और राइट right सब्टी के बाद ट्रेवर्स करते हैं इसलिए इसका नेम है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल तो इस एग्जाम्पल को देखे हमने इस ट्री को ट्रेवर्स करना है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक को, को यूज करते हुए तो सबसे पहले हम रूट नोड ए के लेफ्ट सबट्री को ट्रवर्स करेंगे अब हमने इस लेफ्ट को भी पोस्ट ऑर्डर में करना है तो इस लेफ्ट लेफ्टी की रूट नोड है बी लेकिन हमने सबसे पहले रूट नोड बी के लेफ्ट सब ट्री को ट्रवर्स करना है तो रूट नोड बी का सब ट्री है डी तो सबसे पहले डी को ट्रवर्स करेंगे अब क्योंकि डी की फर्दर कोई चाइल्ड नोड नहीं है तो नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे रूट नोड बी के राइट सब ट्री की तरफ दैट इज ई तो ई को ट्रवर्स करेंगे अब क्योंकि ई की भी कोई चाइल्ड नोट नहीं है तो नेक्स्ट अब हम ट्रवर्स करेंगे रूट नोट बी को तो रूट नोट बी को ट्रवर्स करने के बाद रूट नोट ए के लेफ्ट सब ट्री को हमने कम्प्लीटली ट्रवर्स कर ली है नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे रूट नोट ए के राइट सब ट्री की तरफ अब हमने इस राइट सब ट्री को भी पोस्ट ऑर्डर में ट्रवर्स करना है तो इस राइट सब ट्री की रूट नोट है सी तो हमने सबसे पहले रूट नोट सी के लेफ्ट सब ट्री को ट्रवर्स करना है रूट नोट सी का लेफ्ट सब ट्री है एफ तो सबसे पहले एफ को ट्रेवर्स करेंगे अब क्योंकि एफ की भी कोई चाइल्ड नोड नहीं है तो रूट नोड सी के लेफ्ट सब ट्री एफ को ट्रवर्स करने के बाद नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे सी के राइट सब ट्री की तरफ तो सी का राइट सब ट्री है जी तो नेक्स्ट अब हम जी को ट्रेवर्स करेंगे अब क्योंकि जी की भी फर्दर कोई चाइल्ड नोड नहीं है तो राइट सब ट्री जी को ट्रवर्स करने के बाद नेक्स्ट अब हम ट्रावर्स करेंगे रूट नोड सी को तो रूट नोड सी को ट्रवर्स करने के बाद हमने रूट नोड ए के राइट सब ट्री को कम्पलीटली ट्रवर्स कर लिया है तो लेफ्ट साइड ट्री और राइट साइब ट्री को ट्रवर्स करने के बाद अब हम फाइनली ट्रवर्स करेंगे इस ट्री की रूट नोड ए को तो रूट नोड ए को ट्रवर्स करने के बाद इस ट्री का पोस्ट ऑर्डर रंप्लीट हो गया है और अब आप देख सकते हैं कि हमने इस ट्री की हर नोड को ट्रवर्स कर ली है तो इस ट्री के पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का आउटपुट हमारे पास ये आया है तो इस तरह से हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक को यूज करते हुए किसी भी ट्री को ट्रवर्स करते हैं उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा की एक ट्री पे पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल कैसे परफॉर्म करते हैं एंड को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं उस वीडियो को लिंक ऊपर आई बटन में है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज